Hello friends, I'm Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a programming series using a Java. Our friends, in this session, we have an example. Write a program to print the following pattern. Okay. Friends, हमें ऐसे pattern print करना है. इस तरीके से ये पैटर्न प्रिंट करना है. तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं. राइट, जस्ट वेट. मतलब अगर आप इस तरीके का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं, दिस इज अ पैटर्न. सो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कंसिडर पैटर्न एज अ मैट्रिक्स. आप किसी भी पैटर्न को आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा. जैसे अगर हम इस पैटर्न की बात करते हैं, तो हम पहले इस पैटर्न को मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. मतलब ये आपका पैटर्न है, तो आप इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें. ऐसे कन्वर्ट कीजिए आप. वन, ये आपका पैटर्न है. सो हमने इसे क्या किया है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है. आप ऐसे कन्वर्ट करें, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. ऐसे जैसे अगर हम रो की बात करते हैं, तो आपके पास इतने रो है, एक, दो, पांच रो है, और आपके पास पांच कॉलम है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. ऐसे रहेगा, राइट. मतलब आपके पास पांच रो है और पांच कॉलम है. दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट. लेकिन आप थोड़ा देखिए कि हमें पहले रो में सभी कॉलम को प्रिंट करना है, दूसरे रो में सिर्फ चार ही कॉलम प्रिंट करने हैं, तीसरे में तीन ही करने हैं, चौथे में दो और पांचवे में एक करना है. राइट, तो आप पहले क्या कीजिए, आप रो और कॉलम को आप ड्रॉ कीजिए. जैसे आई है और ये आपका जे है. अभी हमने कहा पहला रो, मतलब पहला रो, तो पहले रो में कितने कॉलम प्रिंट करने हैं आपको, एक, दो, तीन, चार, पांच. आप ऐसे कर सकते हो, वन, थ्री, फोर एंड फाइव. ऐसे करना है. देखिए, जब हम दूसरे कॉलम की बात करते हैं, दूसरे रो में आपको पहला कॉलम प्रिंट करना है, दूसरा कॉलम प्रिंट करना है, तीसरा भी कॉलम प्रिंट करना है, चौथा भी कॉलम प्रिंट करना है. ओके, फिर आप तीसरे रो की बात करें. So, जब तीसरे रो की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें आयु जे वन है, राइट, जे टू है और जे थ्री है. मतलब यहाँ पे थर्ड रो में आपको जे की वैल्यू आपकी ये चाहिए. फिर देखिए फोर्थ रो में हमें क्या करना है, जे वन और टू प्रिंट करना है, जे के दो कॉलम. और फिफ्थ में हमें एक ही कॉलम प्रिंट करना है, वन. ये इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा. अब देखिए गाइस, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताता हूं मैं आपको, कि जैसे हम ये हर एक पैटर्न नॉर्मली हम नेस्टेड फॉर्मेट से करते हैं, जैसे ये एक फॉर है और ये एक फॉर है. सो नॉर्मली तौर पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बाहर का फॉर लूप होता है, ये रो के लिए होता है, राइट. और जो हमारा अंदर वाला फॉर लूप है, ये फॉर लूप हम नॉर्मली कॉलम के लिए करते हैं, कॉलम के लिए. अभी अगर आप यहां पे आके देखते हैं, तो कितने रो है, पांच. सो आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, पांच रो है. कॉलम कितने हैं, देखिए पांच ही कॉलम है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. जे इक्वल टू ऑफ वन, जे लेस देन इक्वल टू फाइव, जे प्लस प्लस. देखिए ऐसे हो गया. ऐसे रहेगा. अभी थोड़ा ध्यान दें, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट. अब देखिए, जब आपका आई वन है, जब आपका आई क्या है, वन है,
देखिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन आई इज वन देन जे शुड बी एग्जीक्यूटेड 5 times, मतलब 1 2 3 4 5। ओके, मतलब आपका जे कितने बार चलना चाहिए? 5 बार, राइट। जब आपका आई वन है तो आपका जे 5 बार चलना चाहिए, दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब यहां पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते थे, यहां पे आप देखिए क्या जो आपका आई है ये जे से कम है और इक्वल है, बराबर है। यस, देखिए जो I की वैल्यू है क्या ये J के वैल्यू के इक्वल, लेस देन और इक्वल है हर बार? यस, जब I वन रहेगा तो हमारे नेस्टेड फॉर के हिसाब से आप जाइए। नेस्टेड फॉर में क्या होता है, एक बार बाहर का लूप चलता है, पूरी बार अंदर वाला लूप चलता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब J ये है तो ये 4 टाइम ही चलना चाहिए, बराबर है, राइट। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा देखिए, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मैं आपको लॉजिक डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, देन फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। सो जब हम यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे, इफ आई लेस देन और इक्वल टू जे, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रिंट एफ स्टार आप प्रिंट कर दे, खत्म। बस इतना ही करना है। आप एल्स में स्पेस देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, रहने दीजिए। फिलहाल तो हमें लगता है कि इससे हो जाएगा। और आप यहाँ पे system.out.println करें, न्यू लाइन यहाँ पे भी रहेगा, गलती से भूल गया मैं, system.out.println, ठीक है। अभी आप देखिए काम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लीजिए आपकी स्क्रीन है, फिर अभी आप देखिए आई कितना है, आई अभी आपका 1 है, 1 less than equal to 5, यह दिस इज ट्रू, सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर जे कितना है, जे इज ऑल्सो 1, 1 is less than equal to 5, यस ये भी सही है, तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अभी आपका आई कितना है, आई आपका 1 है, और आपका जे कितना है, 1, 1 less than equal to 1, यस ये सही है। सो प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, स्टार। सो यहाँ पे आपको एक स्टार मिलेगा। अभी आप थोड़ा ध्यान दें कि नेस्टेड फॉर के हिसाब से फिर यहां से जे प्लस प्लस हो जाएगा, फिर जो जे है आपका इस जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 less than equal to 5 है क्या, यस। फिर से आपका जो कंट्रोल यहां पे आ गया, आई आपका 1 है और जे आपका 2 है, आई 1 है और जे आपका कितना है, 2 है, 1 less than equal to 2, यस ये भी सही है, तो आपका कंट्रोल यहां पे आएगा और इसे प्रिंट करेगा। फिर से आप देखिए वापस फिर से आपका जे प्लस प्लस हो जाता है, फिर से जब जे प्लस प्लस हो जाएगा तो आप देखिए कि आपका जो जे है ये 3 हो गया, सो क्या 3 less than equal to 5, यस इट इज अगेन ट्रू, सो आपका कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। अभी थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते हैं तो अभी आई आपका 1 है और जे आपका 3 है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपका आई जो है ये 1 है और आपका जो जे है 3 है, 1 is less than equal to 3, यस तो यहां से आपका क्या प्रिंट होगा, स्टार। फिर से अब यहां पे आइए जे प्लस प्लस, जे इज 4, 4 less than equal to 5, यस नीचे आ गया। अभी आई आपका 1 है और आपका जो जे है ये 4 है, सो क्या 1 less than equal to 4, यस ये सही है। फिर अब यहाँ पे आइए स्टार। फिर से आप यहाँ पे आइए जे प्लस प्लस, सो जो जे है इसकी वैल्यू 5 है, 5 less than equal to 5, yes। अभी आई आपका 1 है और आपका जो जे है ये आपका 5 है, सो क्या 1 less than equal to 5, यस ये सही है। फिर आप यहाँ पे देखिए फिर से आपका स्टार रहेगा। फिर से आप देखिए जे प्लस प्लस की अगर हम बात करते हैं तो
जे प्लस प्लस, जे इज सिक्स, सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव है क्या? नहीं है, फॉल्स है। तो फिर आप यहाँ पे आइए, प्रिंट एफ न्यू लाइन, मतलब आपका जो कंट्रोल है ये यहाँ पे आ गया नीचे। फिर से आप देखिए, एक वापस से आपका जब ये न्यू लाइन आई प्लस प्लस करेगा, सो आई की जो वैल्यू ये है टू, सो टू लेस देन इक्वल टू फाइव है क्या? यस, ये सही है। फिर से आपका कंट्रोल यहाँ पे आ गया। फिर से आपका जे कितना है? वन है। आप देखिए फ्रेंड्स, जे अभी आपका वन है, सेकेंड टाइम जे वन है, सो वन लेस देन इक्वल टू फाइव यस। लेकिन आप देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो अभी आपका आई जो है आपका आई टू है, टू लेस देन इक्वल टू ऑफ वन, तो ये फॉल्स है, मतलब ये यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। फिर देखिए ये पहली बार यहाँ पे फॉल्स है, वापस यहाँ पे जाएगा, जे प्लस प्लस जे हो गया टू, जे कितना हुआ है आपका? टू हुआ है, सो टू लेस देन इक्वल टू फाइव यस। तो अभी ये टू इज लेस देन इक्वल टू यस, तो अभी देखिए टू टू फाइव चलेगा, मतलब फोर बार ही चलेगा, चार बार ही चलेगा, टू इज लेस देन इक्वल टू यहाँ से। अब बाकी इटरेशन आप कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप देखते हैं, आप पेपर पेन ले, ओके, उसके ऊपर ये पूरा कोड लिखे, और जैसे मैं पेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आप ड्रॉ करें, थोड़ा सा मुझे आगे पीछे हो रहा है ड्रॉ करने में, लेकिन आप कर दीजिए। ये ऐसे होगा, ये इसका एक लॉजिक हो गया। अभी दूसरा भी एक लॉजिक आप लगा सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कॉलम के कंपैरिजन में रो कम कम हो रहा है, जैसे पहले पहले रो में पांच कॉलम है, दूसरे रो में चार कॉलम है, जैसे रो बढ़ रहा है वैसे कॉलम कम हो रहा है। सो अगर आप दूसरा भी एक लॉजिक हम कर सकते हैं इसके लिए, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी लॉजिक कर सकते हैं, मुझे जो लगा मैंने किया है। आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस कीजिए आप, फिर आप यहाँ पे आइए, फॉर जे इक्वल टू ऑफ वन, जे लेस देन इक्वल टू ऑफ आई, नहीं यहाँ पे मैं ऐसा लिखेंगे, जे इज फाइव, फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ आई, जे माइनस माइनस अगर आप करते हैं, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। ये दो लॉजिक हम इसके लिए लिखेंगे। अब देखिए अभी मैं ये भी लॉजिक आपको समझाता हूँ, ये कैसे किया है। जैसे आप किसी भी इसको मैट्रिक्स में ही लीजिए, वो बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब देखिए, अभी आपका आई कितना है? वन है, तो वन लेस देन इक्वल टू फाइव, दिस इज अ ट्रू, सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ गया। फिर जे कितना है? फाइव है, फाइव इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू आई की अगर आप बात करते हैं, देखिए फाइव इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, आई वन है, ये सही है, सो आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अभी लॉजिकली अगर आप जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये लूप आपका पांच बार चलेगा, ये लूप आपका पांच बार चलेगा, पांच बार, मतलब पहली बार फाइव फाइव, फिर फोर, फिर टू, फिर थ्री, फिर वन, ऐसे। फिर जब ये आई माइनस माइनस होगा, सॉरी जब जे माइनस माइनस होगा, तो एक स्टेज आएगी कि आपके जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो क्या जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन? नो, फॉल्स। सो ये नीचे आएगा यहाँ पे और आपका न्यू लाइन करेगा, जब ये न्यू लाइन करेगा तो कंट्रोल यहाँ पे आपका है। या आप इटरेशन आप कीजिए, जैसे वो वापस जाएगा तो आई आई प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस केस में आपके आई की वैल्यू टू है, टू लेस देन इक्वल टू फाइव यस, जे इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू फाइव, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू यस। सो ये फाइव टू टू ही चलेगा, मतलब फाइव टू ही चलेगा, तो ये चार बार ही चलेगा। फाइव टू चलेगा मतलब चार टाइम ही चलेगा, चार बार ही चलेगा। तो फ्रेंड्स ये दो अलग अलग लॉजिक है, आपको जो सही लगे आप यूज कर सकते हैं, या आप आपका खुद का भी लॉजिक लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यही लॉजिक यूज करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आप अलग से भी लॉजिक ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। पब्लिक क्लास पैटर्न फर्स्ट, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस। अभी मैं पहला लॉजिक करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा लॉजिक करके दिखाता हूँ, फिर आप लिखिए फॉर जे इक्वल्स टू ऑफ वन, जे लेस देन इक्वल टू फाइव, जे प्लस प्लस। फिर आप यहाँ पे आके ऐसा कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ परसेंट स्टार इज हियर,
system dot out dot printf slash of n is here, okay, file save as, आप यहां पे लिखिए pattern first dot java, yes। अभी थोड़ा ध्यान दे आप, जस्ट वेट, यहां पे मैं लॉजिक लिखना भूल गया मैं, इफ आई लेस देन इक्वल टू ऑफ जे, बस जावा सी पैटर्न फर्स्ट डॉट जावा, जावा पैटर्न फर्स्ट, देखिए ये आपका पैटर्न हो गया, ये आपका एक लॉजिक था। अभी हम दूसरा लॉजिक यूज करते हैं, अगर आप ये भी एक लॉजिक है या आप दूसरा भी कोई लॉजिक रेफर कर सकते हैं, जैसे फॉर आई इक्वल टू ऑफ वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, राइट, फॉर जे इक्वल टू ऑफ वन, जे लेस देन सॉरी जे इक्वल टू फाइव, जे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑफ वन, जे माइनस माइनस। फिर आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं, जस्ट वेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ स्टार इज हियर, ओ यहां पे गलत हुआ, मैंने आई करना चाहिए, आई आई, ये एक लॉजिक हो सकता है, ओ सॉरी कंपाइल करना चाहिए ये, या फिर आप इसे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यहां पे ऐसे लिखिए फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन माइनस माइनस, जे इक्वल टू ऑफ वन, जे लेस देन इक्वल टू ऑफ फाइव, जे प्लस प्लस, ये भी एक हो सकता है, आप रिवर्स करेंगे तो भी चलेगा। अभी फ्रेंड्स ये पूरे लॉजिक आप पेपर पेन लिखिए और पेपर पेन लेके इसे इसे आप देखिए, ओ फिर से गलत हुआ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई चाहिए तो हो जाएगा। अब आप इसे आप खुद से समझिए, मतलब हमने एक ही प्रोग्राम तीन अलग अलग तरीके से किया है, फिर आपको जो लॉजिक सही लगे आप उसके साथ, लेकिन नॉर्मली ये भी फॉर्मेट एक अच्छा फॉर्मेट होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को, सॉरी किसी भी पैटर्न को पहले आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में अंडरस्टैंड कर ले और उसके बाद में अगर आप उसका कोड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहता है। ओके, थैंक यू।